चोर तो आपने बहुत देखे होंगे, पर ये वो चोर है जो लाइव पकड़ा गया। दरअसल चोर चोरी करने के लिए अपने पूरे तामझाम के साथ बैग में सामान डालकर निकल पड़ता है। अलग अलग एटीएम पर जाकर वहां से बैटरी चोरी किया करता था। दरअसल हर एटीएम पर 2-3 बैटरियां लगी होती हैं। जब लाइट चली जाती है तो उसी बैटरी के जरिए एटीएम चलता था, लेकिन ये चोर वहां से बैटरी निकालकर फुर हो जाता था। इस चोर की बाइक पहले भी कई सीसीटीवी कैमरों में नजर में एटीएम के बाहर आई थी, लेकिन इस बार ये चोर धरा गया। अब तक करनाल में अलग अलग एटीएम से 150 के आसपास बैटरियां चोरी हो गई हैं, और इस बार निशाना था करनाल के नमस्ते चौक का IDBI बैंक का एटीएम। लेकिन वहां पर एटीएम में कैश डालने आई वैन के कर्मचारियों ने इसलिए देख लिया और फिर एटीएम की देखरेख करने वाले लोगों को बुलाया, जिन्होंने इसको पुलिस के हवाले कर दिया। ये चोर तो सिर्फ बैटरी चोरी करने आया था और धरा गया, लेकिन रोजाना हम कितनी वारदातें सुनते हैं जिसमें कभी एटीएम में लोगों के एटीएम कार्ड बदलकर ठग कर चले जाते हैं, तो कभी एटीएम को ही उठा कर ले जाते हैं। फिलहाल चोर को पुलिस ने गिरफ्तार करके कार्यवाही शुरू कर दी है। उम्मीद है कि पुलिस अपनी गश्त बढ़ाकर ऐसे चोरों पर लगाम लगाएगी। देखिए एक रिपोर्ट। क्या पूरी जानकारी आपको? ऐसा जी, यहाँ पे स्कोर वैल्यू एजेंसी है जो एटीएम में आईडी वगैरह में कैश डालती है, तो वो जैसे यहाँ पे कैश डालने के लिए पहुँचे तो उनका मेरे पास फ़ोन आया, भाई यहाँ पे ऐसी से बैटरी की वारदात हो रही थी। तो मेरे सर है तो उन्होंने फ़ोन किया, भाई तुम कहाँ पे हो? मैंने कहा सर मैं यहीं पे हूँ। तो उन्होंने बोला कि तुम फटाफट वहाँ पे साइड पे जाओ। तो मैंने कैश वालों से बात हुई जो कैश डालते हैं, हाँ भाई क्या क्या सामान है इसके पास? वो कह रहा है भाई कुछ नहीं, मना कर रहा है, इसके बैग में भाई इसके बैग में चेक करो कि क्या कुछ है। जैसे उसके बैग में देखा, उसके बैग में औजार थे बैकरूम तोड़ने के लिए, बैटरी काटने के लिए पेचकस वगैरह प्लास वगैरह ऐसे तरह के औजार थे। तो मेरे को पता चला, मैंने उसको बोला कि आप इसको रोक के रखो, मैं आ रहा हूँ। तो जैसे हमने देखा कि वहाँ, तो उसको हमने आराम से पूछा कि भाई तूने बैटरी चोरी की है? जैसे मैंने वो मानने के लिए तैयार हो गया, भाई हमने बैटरी चोरी की है, तो हमने पुलिस के पास फ़ोन किया, तो पुलिस वाले भी मौके पे आ चुके हैं। पहले भी करनाल में बहुत सी बैटरी चोरी हो चुकी है, 100-150 के आसपास बैटरी चोरी हो चुकी है। हमारी एजेंसी की जो AGS के साथ हमारा टाई है CSS का, तो AGS की भी कभी बैटरी चोरी हो चुकी है, SBI के ATM से, ICICI के ATM से, यूनियन बैंक के ATM से, और तो PNB, टाटा, सब मैं कह रहा हूँ करनाल की जितनी भी एजेंसी है। मेरा नाम कुलविंदर है। उसके बाद आप लोग सर, हमारे पास एजेंसी फ़ोन आया था हमारी सर का, तो वो बोलते भाई वहाँ पे चोर बैटरी चोर आया हुआ है। जब हम यहाँ पे पहुँचे तो वो यहाँ पर मिला, उसने बैटरी चोरी कर रखी थी, उसके पास औजार थे। तो इसने कम से कम करनाल में बहुत सारी बैटरी चोरी की हुई है, अलग अलग ATM से, टाटा इंडिकैश, IDBI, CBI, ICICI, बहुत सारे ATM थे सर। तो आज ही पकड़ा गया है। CCTV में भी इसका फुटेज कई जगह आया सर। हाँ, कई जगह आता है सर। फिर ये ना जैसे चेहरा छुपा लेता था, उसमें साफ नहीं आता था, और इसने खुद माना भी है मैंने 2-3 बैटरियाँ चोरी की हैं। आपका नाम? दिलीप कुमार। मैं कोई चोरी कर रहा है, चोरी करते हुए पकड़े उसको, वहाँ चलो कोई बात नहीं, मार ले जाएंगे, कंप्लेंट लेंगे तो कार्रवाई। तो पहले भी जानकारी मिलती थी कि ATM में बैटरी चोरी वगैरह होती है? मेरे संज्ञान में। प्लीज एक बार दो तीन बैटरी बताई तो जा रही है। तुम्हारी बाइक का जो नंबर था वो कई जगह है, कौन कौन से बैंक से बैटरी चोरी की? बैंक से तो सर पहले चोरी नहीं किया, मतलब कि चोरी का कंप्लेंट देनी है। चोरी है बैटरी। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.